हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टाइटल द वे ऑफ लाइफ। नवरात्रे का मौसम आ चुका है, त्योहार शुरू हो चुके हैं। हम सब इंतजार कर रहे हैं गरबा का, डांडिया का, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली जिनको वेट लॉस करना है। तो नवरात्रे, 9 दिन की फास्टिंग, दुर्गा माँ की प्रेयर, डांडिया, गरबा रास, और क्या ही चाहिए। एक अच्छा सुनहरा मौका वेट लॉस का, अपने आप को एनर्जाइज रख के और हेल्दी रख के। तो चलिए बात करते हैं आज उसी चीज की कि कैसे हम अपने आप को एनर्जाइज और हेल्दी भी रखें, वेट लॉस भी हो जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो। सो सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने डेली रूटीन में बैलेंस डाइट को मत छोड़िए। बैलेंस डाइट में अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं तो यस, आपको फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए, डेयरी प्रोडक्ट्स लीजिए, नट्स लीजिए, जो कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। बस एक चीज़ ध्यान रखिए कि डीप फ्राइड फूड्स और ओवरली शुगरी फूड नहीं खाएं, बिकॉज वो आपको एनर्जाइज नहीं रखेंगे। जितना हो सके पानी पीजिए, नींबू पानी पीजिए, कोकोनट वाटर पीजिए, हर्बल टी पीजिए, जिससे कि आपकी बॉडी का जो फ्लूइड बैलेंस है वो मेंटेन रहे। नींबू पानी की शिकंजी बना लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक डालिए, थोड़ा जीरा पाउडर, मिंट लीव्स डालिए और उसको लीजिए। सबसे बेस्ट है, आप एनर्जाइज रहेंगे। कोकोनट वाटर लीजिए, डोंट मूव टुवर्ड्स द कोल्ड ड्रिंक और एरेटिक ड्रिंक्स। खाना एक साथ नहीं खाइए, 3 लार्ज मील लेने की बजाय कोशिश करिए कि छोटे छोटे मील लीजिए, कम खाइए एट अ टाइम। एक साथ अपने आप को फुल नहीं कीजिए, बिकॉज क्या होता है जब हम ओवर खाते हैं तो हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है और हम एनर्जाइज नहीं रहते। तो एनर्जाइज रहने के लिए ज़रूरी है कि बैलेंस्ड फूड खाएं, लेकिन लिमिट में, छोटे छोटे स्मॉल पोर्शंस में लें। जितना हम कोशिश कर सकें अपने डाइट में प्रोटीन्स इंक्लूड कीजिए। प्रोटीन रिच फूड आएगा कहाँ से? डेयरी प्रोडक्ट से है, नट्स से हैं, लेग्यूम से हैं। ये आपकी मसल्स को और एनर्जी को स्ट्रांग रखेगा, डांडिया में, गरबा में आपको फुल स्ट्रेंथ दे देगा, आप थकोगे ही नहीं। अवॉइड ओवर इंडल्जेंस। अपने जो कॉमन है कि हम ब्रेक करते हैं फास्ट विद अ बिग फीस्ट, उसको मत कीजिए। ज़्यादा ओवर ईटिंग मत कीजिए, स्मॉल ही पोर्शन साइज रखिए अपने खाने का। बिकॉज कई बार क्या होता है कि हम पूरे दिन फास्टिंग करके एकदम से जब खाना आता है हम भूल जाते हैं और उसमें क्या होता है, हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं। इससे बेटर है पीनट्स रख लीजिए, रोस्टेड मखाना रख लीजिए, सीड्स ले लीजिए, सीड्स तो व्रत में खा सकते हैं। और जब भी ऐसा लगे कि एनर्जी कम हो रही है, ये अपना खजूर खा लीजिए। खजूर आपको आयरन भी दे रहा है, आपको एनर्जी भी दे रहा है, आपकी शुगर क्रेविंग को भी कम करेगा और एनर्जाइज तो रखेगा ही। हेल्दी स्नैकिंग ऑप्शन अपनाइए और फ्रूट्स, योगर्ट और नट्स की तरफ ही ज़्यादा खाइए। प्रोसेस्ड फूड को टच भी मत करिए, हाई शुगरी फूड को टच मत कीजिए। स्टे एक्टिव, कंटिन्यू विद योर रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी जो आप करते हो वो, और साथ में थोड़ा सा मेडिटेशन, योगा, जिससे आपका एनर्जी लेवल हाई रहेगा। एडिक्वेट रेस्ट कीजिए, ये जरूर ध्यान रखिए कि आपकी नींद पूरी हो, बिकॉज जब अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी आप अनइजीनेस महसूस करेंगे, आपको ब्लोटिंग होगी, आपको थकान महसूस होगी और आप फिर नवरात्रे के जो गरबा डांस और डांडिया है ना, वो इंजॉय नहीं कर पाओगे। माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, जिसमें कि आप फास्ट भी कर लें और आपको ऐसा लगे भी नहीं कि भाई हम तो भूखे रह रहे हैं। सो पे अटेंशन टू योर बॉडी हंगर। ऐसा नहीं है कि भाई हमको अपना पेट भरने के लिए ही खाना है। इतना खाइए, एनर्जाइज रहें, डाइजेस्ट आराम से हो जाए। मैनेज योर स्ट्रेस, अपने आप को मेडिटेशन, ब्रीदिंग करें, जिससे कि आपका स्ट्रेस मेंटेन रहे, आपके इमोशनल वेलबींग मेंटेन रहे और आप फेस्टिवल को पूरी तरीके से एंजॉय कर सकें। और ज़रूरत है तो अपनी डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करें कि कैसे हम अपने गरबा डांस को, डांडिया को, 9 दिन के फास्टिंग को वेट लॉस प्लान के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। सो वो आप कीजिए, लिसन टू योर बॉडी। अल्टीमेटली ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने शरीर को ध्यान में रख के ही जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो करिए। अगर आपको लगता है कि आप में वीकनेस आ रही है, अनवेल हैं,
तो फास्ट करना जरूरी नहीं है, हेल्दी मील ऑप्शन अपनाइए और उसे लीजिए। एक चीज याद रखिए, नवरात्रि जो टाइम है वो स्पिरिचुअलिटी का है, सेलिब्रेशन का है। ये जरूरी है कि आप बैलेंस बना के रखें अपने पार्टिसिपेशन इन फेस्टिविटीज में भी और अपनी हेल्थ की तरफ भी ध्यान रखें, तभी तो आप गरबा डांस को बहुत अच्छे से इंजॉय करोगे। ये जो 9 दिन आते हैं गरबा, जो बेसिक फॉर्म ऑफ डांस है गुजरात से आया हुआ, ये हमें बहुत सारी एनर्जी और पावर देता है। तो आपको पूरी रात एनर्जाइज रहना है, आपकी लिम्स आपकी बॉडी में पूरी एनर्जी रहनी है, तो आपको अपना ध्यान हेल्दी डाइटरी हैबिट्स पे थ्रू रखना पड़ेगा। ये एक मौका है, 9 दिन में आप आराम से 4 से 5 किलो वजन कम कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर बैलेंस डाइट लें, तो इस मौके को गंवाना नहीं है। एंजॉय योर गरबा नाइट्स, वेट लॉस प्लान एंड फास्टिंग विद नवरात्रि पूजा। दिस इज द वे वी लिव अवर लाइफ, डाइट आर द वे ऑफ लाइफ। This is how we remain happy. Spirituality भी है, prayer भी है, enjoyment भी है और healthy lifestyle भी है. So, डांडिया की, गरबा की celebration के साथ, दुर्गा माँ के welcome के साथ अपने आप को healthy रखने का ये मौका गवाइए नहीं, healthy lifestyle अपना के और enjoy कीजिए डांडिया and गरबा dance. So, this is the way we live our life. Daita, the way of life. अगर चैनल अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, बिकॉज 80% अनसब्सक्राइब पीपल मेरा चैनल देख रहे हैं, डू सब्सक्राइब, मेरे को एनर्जी मिलेगी। बाय बाय।